ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के मदद से कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ दो स्टेप के मदद से। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, बहुत सारे न्यू चीज़ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो गाइस चलिए कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, फोटो को एडिटिंग करने के लिए फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए एंड नॉर्मल फोटो को इनपुट कर लीजिए फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो गाइस यहां पर आप लोगों को एडिट वाले ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर प्रेस करना है एंड नॉर्मल फोटो को इनपुट कर लेना है। गाइस मैं नॉर्मल फोटो को इनपुट कर लिया एंड नॉर्मल फोटो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बेकार है, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेस को स्मूथ। इसके लिए गाइस आप लोगों को पोर्ट्रेट टूल्स पर टैप करना है और यहाँ पर आप लोगों को स्किन स्मूथ पर टैप करना है, ठीक है। और जूम करके गाइस आप लोगों को फेस के अप्लाई करना है और नीचे आप लोग देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक प्लस एक माइनस। अगर माइनस की तरफ टैप करोगे तो गाइस यहां पर जो जहां पर फेस स्मूथ नहीं चाहते हो वहां पर आप लोग रिमूव कर सकते हो, एंड प्लस की तरफ टैप करोगे तो यहां पर अप्लाई होगा यानी फेस स्मूथ होगा, ठीक है। और माइनस की तरफ टैप करोगे तो रिमूव होगा। सो गाइस मैं फेस के अंदर स्मूथ देना चाहता हूँ तो मैं प्लस की तरफ टैप करके स्मूथ कर लेता हूँ फेस को। एंड स्मूथ हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइस फिर से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है, ठीक है। और टैप करने के बाद गाइस एक्सपोजर को आप लोगों को ऑटो पर छोड़ देना है और उसके बाद गाइस आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट पर टैप करके ऑटो पर छोड़ देना है। एंड यहाँ पर हाईलाइट के अंदर टैप करके आप लोगों को ऑटो पर छोड़ देना है, ठीक है। सबके सब ऑटो कर देना है और उसके बाद गाइस आप लोगों को HSL टूल्स के अंदर टैप करना है। और यहाँ पर गाइस बहुत सारे टूल्स आप लोगों के सामने आ जाएगा, जैसे कि लाइट मैप के अंदर होता है, यानी ये जो टूल्स है यहाँ पर आप लोग कलर रिडक्शन कर पाओगे बहुत ही ईजिली, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस की तरफ करके लुमिनेशन को हाई कर देंगे, फेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड वाइट हो जाएगा। अब गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो कलर सिलेक्ट करना है वो है ग्रीन, एंड ग्रीन कलर का जो सेचुरेशन है इसको बिल्कुल माइनस की तरफ कर देना है, ह्यू को भी बिल्कुल माइनस की तरफ, ठीक है। आप गाइस सब लोगों को येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को -100 कर देना है और सेचुरेशन को भी -100, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग लुक आ रहा है फोटो के अंदर। एंड यहाँ पर गाइस ब्लू कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हाई कर देना है थोड़ा सा, एंड ह्यू को माइनस की तरफ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप गाइस सब लोगों को क्या करना है, यहाँ से गाइस सब लोगों को कलर सिलेक्ट करना है जो टी शर्ट का कलर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टी शर्ट का कलर लास्ट में है, इसको सिलेक्ट करके आप लोगों को इसको राइट की तरफ कर देना है और उसके बाद गाइस आप लोग सेचुरेशन को हाई कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। और करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो क्या ही तबाही फोटो लग रहा है, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को यहाँ पर टिल्ट पर टैप करना है एंड टिल्ट को अपने फोटो के मुताबिक से एडजस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, या आप लोग ऑटो पर छोड़ के भी देख सकते हो एंड कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। सो गाइस मैं नहीं छोड़ूंगा ऑटो पर, मैं मैनुअल तरीके से करूँगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो अब कितना ज़्यादा अमेजिंग फोटो एडिटिंग हो चुका है। अब गाइस आप लोग शार्पनेस को हाई कर सकते हो एंड नॉइस रिडक्शन को भी हाई कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मिल जाएगा, अपने फोटो के मुताबिक से आप लोग उसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब गाइस सब लोगों को राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो फोटो क्या ही अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या ही अमेजिंग फोटो बन चुका है, एंड वो भी बहुत ही इजी स्टेप से, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।